हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है यार। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए यार ग्लोबल स्टेबल का लेटेस्ट बिल्ड आया हुआ है, जो कि आपको इसमें मैं दिखाऊंगा क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और रोम की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले यार आपको मैं इसके सिस्टम अपडेट में जाके आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे अबाउट फोन में आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो एमआई ग्लोबल 12.5.10 स्टेबल अपडेट है, कोई ईयू वगैरह ये नहीं है, ऑफिशियल अपडेट है जो कि एंड्रॉयड 11 का है और अरिजीत शाह की तरफ से ये बिल्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑल स्पेक्स में चल पे आपको इसको सिक्योरिटी पैच भी दिखा लेता हूँ। तो आप इसका सिक्योरिटी पैच की बात करेंगे तो आपको लेटेस्ट जनवरी का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात। कर्नल की बात करो, ड्रैगन का V13 कर्नल मिलता है जो कि लेटेस्ट है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलती, काफ़ी स्टेबल रॉम है और इसमें आपको सेफ्टी नेट पास वगैरह विदाउट रूट मिल जाता है, जो कि प्ले स्टोर सेफ्टी फाई है और आप इसमें बैंकिंग एप्स वगैरह सारे यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले आपको इसका कंट्रोल सेंटर दिखा लेता हूँ। तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हो पूरा लेटेस्ट आपको MIUI 13 का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको म्यूजिक का कंट्रोल का भी बार मिल जाता है, जो कि आप म्यूजिक वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके आपको पावर बटन वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टेबल रॉम में आपको पता ही है कि स्टेबल रॉम में किस तरह का देखने को मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बिल्कुल एकदम नया आपको लेटेस्ट रिबूट एंड रिस्टार्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें आपको मैं दिखा लेता हूँ यहाँ पे जो वॉल्यूम बटन वगैरह किस तरह के देखने को मिलते हैं। जैसे वॉल्यूम बटन की बात करते हैं तो आपको इसमें देख सकते हो पूरा लेटेस्ट देखने को मिलता है, यहाँ से आप साइलेंट वगैरह और DND मोड इसका आप यहाँ से कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए और काफ़ी अच्छा इसको एकदम स्टेबलाइज बनाया गया है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी देखने को। यहाँ पे आपको सेटिंग में चल के मैं आपको दिखा लेता हूँ, यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेटर का एप्स मिलता है, यहाँ पे आपको नेटवर्क रिगार्डिंग वाईफाई वगैरह पूरा वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है, कोई क्रैशिंग वगैरह नहीं होती वाईफाई वगैरह की, कभी कभी रॉम में क्या होती क्रैश कर जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्लीप का टाइम मिलता है, जो कि आपको इसमें नियर तक का ऑप्शन दिया गया। डबल टैप टू वीक स्क्रीन प्रॉपरली वर्क कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉक फॉर्मेट आपको इसमें 4 टाइप को देखने की मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है, प्रॉपरली वर्क है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉकेट मोड है, नीचे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का मिल जाता है। उसके बाद में डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले में जाएंगे आपको डार्क मोड मिल जाता है, जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा, कोई भी आपको इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। आप इसका एप्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो। अब नीचे बात करते हैं इसमें आपको कलर कस्टमाइजेशन का, कलर कस्टमाइजेशन आपको इसमें देखने को मिले, कूल हो गया, कस्टम हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो ये आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जो कि 90 हर्ट्ज़ का, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का दिखाएगा लेकिन अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का देखने को मिलेगा। फॉन्ट टेक्स्ट साइज मिल जाती है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है और यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर, स्टेटस बार और लॉक स्क्रीन का ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो यहाँ पे आपको इस तरह का UI देखने को मिलता है, जो कि एकदम अच्छी सी है। क्वालिटी वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाउड क्वालिटी और नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको रिंगटोन, अलार्म वगैरह और साउंड असिस्टेंट का भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन का मिल जाता है, जो कि आप इसको अलाउ करके काफ़ी सारे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, एकदम अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। साइलेंट मोड मिल जाता है, साइलेंट मीडिया, साइलेंट मोड मिल जाता है। डू नॉट डिस्टर्ब मी का भी मिल जाता है, शेड्यूल बना सकते हो आप यहाँ से, कॉल का भी आप रिपीट का यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, यहाँ पे अबाउट कॉल, रिपीट कॉल का भी आप कर सकते हो। वाइब्रेट का, रिंगिंग, मीडियम और एडिशनल सेटिंग भी आपको इसमें दिया गया है, क्योंकि आप जो भी नोटिफिकेशन साउंड के आप बंद करना चाहते हो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। प्ले साउंड हो गया, स्क्रीन अनइंस्टॉलिंग ऐप, डिलीटिंग आइटम, सबका आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे साउंड इफेक्ट मिलता है, शाओमी का हेयरफोन वगैरह है तो आप इसको यूज करके शाओमी का मतलब जो भी है काफ़ी सारी अच्छे से आपको म्यूजिक का कस्टमाइज मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन शेयर का ऑप्शन दिया गया और MIUI का भी दिया गया, दोनों का आपको दिया गया, जो भी आपको पसंद है यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर टॉप नोटिफिकेशन वो आपको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, इसमें नहीं दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कंट्रोल सेंटर का भी दिया गया, नया चाहिए, ऑल्ड चाहिए, जो भी चाहिए आप सिंपल से यहाँ से स्वाइप अप करके इसको एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी आपको पसंद है सिंपल सी टैप करोगे चेंज हो जाएगा। स्मार्ट होम की का भी मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेटस बार में आपको दिखा लेता हूँ, यहाँ पे आपको 100 स्पीड कनेक्शन मिल जाएगा और बैटरी में ग्राफिक्स का नहीं दिया गया और हाइट नॉइज वगैरह का भी आपको मिल जाता है, जो एप्स के अंदर भी आप काम में इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा आपको यहाँ पे दिया गया हाइट नॉच वगैरह का, ठीक है। अगर डिवाइस में आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट नॉच हो चुकी है, कॉपीज इसको रिमूव करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे रिमूव वगैरह हो जाएगी। तो इस तरह से फीचर्स दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है, जो भी डिवाइस मतलब होता है नॉच वाला उसमें वह काफ़ी काम की चीज़ है ये। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ मैं होम स्क्रीन का। सिस्टम लॉन्चर आपको डिफॉल्ट वाला मिल जाता है इसमें और यहाँ पे आपको क्लासिक मिल जाता है और ऐप ड्रॉअर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में स्क्रीन ऐप वॉलेट वगैरह मिल जाता है, गूगल सर्च बार का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वापस आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको जाएंगे इसमें,
ये होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ नीचे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐप वॉलेट मिल जाता है, गूगल सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑटोमेटिक है, आपको दिखा लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे इनेबल है, इसलिए मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये वापस यहाँ से क्रैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैसेस का भी मिल जाता है, बटन आपको दिखाता हूँ, बटन आपको इसमें बहुत ही एकदम अच्छे से मिलते हैं जो कि स्टेबल रॉम मिल जाते हैं, और गैसेस के ऊपर क्लिक करोगे गैसेस वापस यहाँ से इनेबल वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसको फुल इंडिकेटर को हाइड करना है, तो इसको आप अलाउ कर लोगे, ये फुल इंडिकेटर हाइड हो जाएगा, ठीक है। डबल टैप टू वीक स्क्रीन अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन लेआउट भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसकी साइज वगैरह भी देखने को मिल जाती है, जो इसको आप ऑफ करके इसका साइज का यहाँ से आप देख सकते हो, जो भी आपको रखनी है सिंपल सी यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप आइकन साइज को आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, और नीचे भी आपको ग्लोबल आइकन एनिमेशन मिल जाएगा, और रिसेंट आपको वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों आपको रिसेंट मेन्यू मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद है सिंपल से आप रख सकते हो। शो मेमोरी इटसेस का भी मिल जाता है, ऐप ब्लर प्रीव्यू का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और जिसमें भी आप ब्लर करना चाहते हो उसको आप यहाँ से अलाउ कर लोगे, तो जब भी आप रिसेंट मेन्यू में इस तरह से ऐप्स ओपन कर लोगे वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो इस काम की चीज़ है ये होम स्क्रीन का। उसके बाद में आपको नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, आपको यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर चल के दिखाते हैं, सेटिंग गैलरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे वॉलपेपर में जाएंगे तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको एमओए 13 के तो नहीं है फिलहाल, आपको लेटेस्ट मिल जाते हैं, जो भी आपको MIUI के 12.5 12.6 के लेटेस्ट वॉलपेपर मिल जाते हैं। थीम की बात करता हूँ तो थीम आपको क्लासिक और लिमिटलेस इसमें दो ही देखने को मिलती है, ज़्यादा आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे तो इसका फिंगरप्रिंट दिखा लेता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जैसे ही टैप करूंगा आप देख सकते हो काफी फास्ट है, मतलब नॉर्मल डिवाइस से काफी फास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी काफी फास्ट है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने भी ऐड नहीं किया, पहले मैंने इसका यूज कर लिया, काफी फास्ट है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें, एकदम आप इसको डेली ड्राइवर में यूज कर सकते हो, रोम को कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाते हो तो आप सब कुछ देख सकते हो, बहुत सारी प्राइवेसी आपको दे रखी है नीचे प्रोटेक्शन वगैरह में, तो आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हो, एप्स लॉक लगा सकते हो, हाइड कर सकते हो, सेकंड स्पेस कर सकते हो, डबल एप्स कर सकते हो, और लोकेशन इनपो और स्पेशल यहाँ से आप परमिशन भी दे सकते हो, बैटरी ऑप्टोमाइज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सिस्टम बहुत सारे, और यहाँ पे आप नीचे नोटिफिकेशन एक्सेस वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो, तो काफी सारे मिलते हैं। और बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको लेटेस्ट मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम आपको पावर इनहेंस बैलेंस वगैरह का जो परफॉर्मेंस वगैरह और अल्ट्रा बैटरी सेवर, ये आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। नीचे आप जाओगे यहाँ पे आपको एप्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैनेज एप्स हो गया, सिस्टम एप्स हो गया, मैनेज शॉर्टकट बना सकते हो, डबल एप्स यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इसको क्रिएट करके आप कर सकते हो, परमिशन हो गया, और एप्स लॉक भी आप यहाँ से इसका टर्न ऑन कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह पर लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आपको डायरेक्ट लैंग्वेज रीजन वगैरह और क्विक शॉर्टकट, क्विक बोल, वन हैंड मोड, एसेबिलिटी और मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर्स दिया जाता है आपको यहाँ पे। एसेबिलिटी के अंदर आप जैसे जाओगे तो इसमें आप जैसे इसका शॉर्ट वन बना सकते हो, यहाँ से आप इसका एसेबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट इसका कर सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे देख सो साउंड इफेक्ट वगैरह, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन वापस आपको इसमें दिया गया। यहाँ पे आप जाओगे डिजिटल वेबिन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे शो योर डाटा करोगे तो देख सकते हो पूरा दिखाएगा, 14 मिनट हो गया, डिवाइस को कितनी बार अनलॉक किया, कितनी नोटिफिकेशन की आई है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गेम टर्बो मोड मिल जाता है, वीडियो बोर्ड टूल बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे देख सकते हो, जो कि थोड़ा पुराना वाला है, लेटेस्ट वाला स्लाइडर बार वो नहीं दिया गया, फ्लोटिंग विंडो होगा, और यहाँ पे आपको सेकंड स्पेस हो गया, और लाइट मोड भी आपको इसमें मिल जाता है, गेम टर्बो भी मिल जाता है, मी अकाउंट, गूगल्स और गूगल अकाउंट्स, प्राइवेसी, लोकेशन, ये आपको यहाँ से मी अकाउंट वगैरह ऐड करना तो कर सकते हो, गूगल अकाउंट रिमूव या ऐड करना तो यहाँ से आप कर सकते हो, तो काफ़ी सारे इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी यहाँ पे भी आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाती है, जो कि आप इसका यूज़ वगैरह इजिली से यहाँ से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी कैमरा वगैरह की, तो कैमरा आपको कैसा देखने को मिलता है, तो कैमरा में आपको जैसे देखें फोटो में दिखा लेता हूँ, इसकी काफ़ी शानदार फोटो आती है, जैसे ही देख सकते हो मैं फोटो को क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बग्स है कैमरे का, पैटर्न मार्क का, तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, तो एक ही इसमें आपको बग्स मिलता है कैमरे के वाटर मार्क का, पता नहीं यार ये जो भी आजकल रोम बना रहे हैं उसमें वाटर मार्क का बग रह रहा है, ठीक है। क्वालिटी काफी अच्छी है लेकिन, ठीक है, आप देखो तो अभी जैसे क्लिक करूंगा फोटो, एकदम फोटो अच्छे से क्लिक हो रही, बहुत शटर स्पीड भी काफी फास्ट है, क्वालिटी आप देख सकते हो तो काफी अच्छी क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब बात थोड़ी सी AI में ले लेता हूँ एक बार फोटो, यहाँ पे आपको थोड़ा AI मोड में भी लेकर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप जैसे कि देख लो, ठीक है, काफी शटर स्पीड फास्ट है और क्वालिटी आपको भी इसमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कलर सेचुरेंस का फर्क पड़ता है, AI में थोड़ा कलर बेटर आते हैं और नॉर्मल में थोड़े कलर थोड़े से फीके आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो काफी अच्छी क्वालिटी इसमें कैमरे में, आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। और सिक्योरिटी एप्स की बात करूँ, और सबसे पहले आपको वीडियो क्वालिटी भी दिखा लेता हूँ, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जैसे वीडियो क्वालिटी के अंदर आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो
फोर के 30 fps का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको सटरेस फिंगरप्रिंट और ये आपको सब कुछ इसमें ऑटो एक्सपोज वगैरह सारे सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसमें आपको सिक्योरिटी एप्स वगैरह की, तो सारे इसमें आपको लेटेस्ट वाला अपडेट एप्स मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा सिक्योरिटी वगैरह और यहाँ से एप्स लॉक वगैरह आप लगा सकते हो, और एप्स ओपनिंग भी काफ़ी फास्ट है और काफ़ी स्मूथ रोम है यार, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप देख कर रहे हो एकदम रिस्पॉन्स फास्ट ओपन हो रहा है डिवाइस, कुछ भी आपको इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम इजीली से गैलरी वगैरह एकदम इजी जूम इट और जूम आउट वाला भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कोई भी आपको किसी भी एप्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे भी आप जो भी एप्स ओपन कर रहे हो एकदम फास्ट रिस्पॉन्स क्विकली हो जाएगा, कोई भी आपको इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी रोम है, अगर रोम का आप यूज़ करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम में भी है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम।